सब्सक्राइब कीजिए महाविद्या साधक परिवार ऑफिशियल चैनल को, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, ऑल ऑप्शन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज फिर मैं आई हूँ तुम लोगों के साथ कुछ संवाद करने, कुछ बातचीत करने, कुछ सुनने, कुछ सुनाने। तुम्हें कमेंट्स पढ़ती हूँ, सुनती हूँ तुम लोगों को कि तुम लोगों ने क्या लिखा है मेरे लिए। वो ऐसा नहीं, तो यही सुनना सुनाना है, बोलना बताना है और हम लोगों के आपसी संवाद हैं। कुछ बोलूँगी तुमसे, ज्ञान एक शक्ति है। गुरु क्या दे सकता है शिष्य को? गुरु ज्ञान दे सकता है क्योंकि ज्ञान एक शक्ति है, ज्ञान एक मुक्ति है। और जिस चीज़ को हम जान जाते हैं उससे हम मुक्त हो जाते हैं। आप बिना जाने किसी चीज़ से मुक्त नहीं हो सकते, आप पढ़ के किसी चीज़ को से मुक्त नहीं हो सकते। आप सोचें कि हमने जान लिया किताब में पढ़ के, वो जानना एक अलग जानना है। और जो आपने ज्ञान से जानेंगे वो जानना एक अलग जाना है। और जब आप अपने ज्ञान से जो चीज़ जानेंगे उस चीज़ से आप मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि वो आपका स्वयं का ज्ञान है, वो कोई किताबी ज्ञान नहीं है। धर्म क्या है? धर्म जीवन और मृत्यु की कला है, आर्ट ऑफ लिविंग और आर्ट ऑफ डेथ। जीवन क्या है? हम अपने जीवन से अज्ञात हैं। हम कहेंगे हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, ये जीवन नहीं है। हम अपने जीवन से अज्ञान हैं, इसलिए हमें मृत्यु से भय लगता है। आज मृत्यु से सभी लोग डरे हुए हैं, हम सब मृत्यु से डरे हुए लोग हैं, मृत्यु से सब डर रहे हैं। अगर अंदर कोई भय है किसी के अंदर, हमारे अंदर, तुम्हारे अंदर, परिवार में, इधर उधर चारों तरफ जो भय व्याप्त है, भय का मेन कारण मृत्यु है। हम सबको मृत्यु से डर लगता है, हम सब कंपित होते हैं मृत्यु से, हम भयभीत होते हैं। पर कुछ शब्द ऐसे हैं जो एकदम गलत हैं। मृत्यु किसी की होती ही नहीं है, मृत्यु शब्द ही झूठा है। मृत्यु एक नास्ता, कभी कोई मरा है न, किसी की मृत्यु हुई है न किसी की मौत हुई है, क्योंकि मृत्यु शब्द बहुत गलत है। पर जब तक हम किसी चीज़ को जानेंगे नहीं, उससे उस भय से मुक्त नहीं हो सकते। मैंने अभी कहा कि जीवन, आपका जीवन क्या है? आप क्या हैं? आप एक बीज हैं। आप किसके बीज हैं? आप परमात्मा के बीज, ईश्वर के बीज हैं। आप परांबा के बीज हैं। पर बीज को जीवन की पूर्णता नहीं कह सकते। आपका बीज आपकी पूर्णता नहीं है। बीज क्या है? एक बाहरी आवरण है, बीज को एक खोल है। ये शरीर भी एक बीज की तरह है, बाहर एक खोल है। पर बीज के अंदर चेतना छुपी है, बीज के अंदर आत्मा छुपी है। और जब तक ये बीज वृक्ष नहीं बन जाता, तब तक बीज का कोई जीवन नहीं, बीज का कोई महत्व नहीं है। बीज का अपने आप में कोई जीवन नहीं है। बीज का महत्व तभी है जब वह वृक्ष बन जाए, लता आए, फूल आए, सुगंध आए और वो महके। मैंने एक बार एक पेड़ से पूछा, तुम्हारा जीवन कहाँ है? तो पेड़ कहने लगा, मेरा जीवन तो मेरी जड़ में है। जड़ें जो हमें दिखाई नहीं दे रही हैं, और पेड़ हमें इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, ये पेड़ ऊपर कितना बड़ा है, कितना, इतने सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं, पर इन पेड़ का जीवन कहाँ है? इन पेड़ों का जीवन इनकी जड़ में है। जड़ से जीवन आता है
और पेड़ में पल्लवित होता है, पेड़ में दिखता है वो कि जीवन है। पत्तों में जीवन नहीं है, पत्तों में प्रकट हो रहा है जीवन, क्योंकि जड़ आ रहा है, जड़ों से जीवन आ रहा है, और पत्तों में, फूल में, टहनियों में, सब में प्रकट हो रहा है। ये प्रकट हो रहा है, ऐसे ही जो हम आपसे बात कर रहे हैं, ये जीवन प्रकट हो रहा है। तो जीवन का ताना बाना कहीं और से है, जहाँ से हम चलते हैं, बोलते हैं, बात करते हैं, ये हमारा बाहरी आवरण है। मैंने कहा मृत्यु से लोग डरे हुए हैं, क्योंकि अगर मृत्यु को समझना है, मृत्यु को जानना है, तो पहले हम जीवन को जान सकते हैं। मृत्यु में होता क्या है? लोग कहते हैं इसकी मौत हो गई। आजकल हम दिन भर मृत्यु की बात करते सुनते हैं पेपरों में, कोरोना से इतने मर गए, यहाँ इतने मर गए, पड़ोस में मर गए, इधर मर गए, उधर मर गए, हम दिन भर मृत्यु की बात सुनते हैं। और मृत्यु की बात सुन सुन के हम भयभीत होते हैं कि कहीं एक दिन हम भी ना मर जाएं। आता है मन में विचार, ऐसा नहीं आता, आता है विचार कि कहीं ऐसा ना हो एक दिन हमारी भी मृत्यु हो जाए। पर मृत्यु में होता क्या है, इसको समझना बहुत ज़रूरी। मृत्यु में क्या होता है, हमारे शरीर में जो बाहर एक ऊर्जा है, ये प्राण ऊर्जा, ये पूरे शरीर में विस्तीर्ण हो रही है, हमारे पैरों में, हमारे हाथों में, आँख से हम देख रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, मुख से तुमसे बात कर रहे हैं, क्योंकि अंदर से प्राण ऊर्जा विस्तीर्ण हो रही है पूरी हमारी इंद्रियों पर, बाह्य इंद्रियों पर। और जब मृत्यु का समय आता है तो ये ऊर्जा धीरे धीरे खींचती हुई अपने केंद्र में चली जाती है, जिसको आप लोग मृत्यु कहते हैं। ये ऊर्जा धीरे धीरे खींचते खींचते अंदर से, पैरों से खींचती, हाथों से खींचती है, आँखें सुनना बंद कर देती हैं, कान सुनना बंद, आँखें देखना बंद कर देती हैं, कान सुनना बंद करते हैं, क्योंकि ऊर्जा अपने केंद्र में, अपने बीज में पहुंच रही है। ऊर्जा अपने बीज में पहुंच जाती है, अणु बन जाती है। और ये प्रयोग हम जीते जी भी कर सक करेंगे जब तुम्हें मृत्यु समझ में आएगी। ध्यान में भी होता क्या है, ध्यान में यही तो होता है कि जितनी भी हमारी प्राण ऊर्जा है, हम उसको धीरे धीरे भीतर खींचते हैं, और ऊर्जा को भीतर खींचा जा सकता है। जो साधक जीवंत में ये प्रयोग करता है, उसके जीवन में कभी मृत्यु नहीं घटती, मृत्यु को समझ जाता है, फिर वो कभी मृत्यु से भयभीत नहीं होगा। आप भी अपनी प्राण की ऊर्जा को, प्राण ऊर्जा को भीतर खींच सकते हैं, धीरे धीरे खींच सकते हैं ध्यान में। आप बोलेंगे आप इस ऊर्जा को कैसे खींचा जाता है, तो ऊर्जा को संकल्प से खींचा जाता है कि शरीर से ऊर्जा मेरी भीतर आ रही, पैरों से भीतर आ रही, धीरे धीरे भी महीने दो महीने में ये प्रयोग संपन्न हो जाता है, और सारी ऊर्जा केंद्र में आ जाती, बीज में हमारे। ध्यान में यही होता है कि ये रहा शरीर और ये रहा मैं, अलग अलग दिखाई पड़ते, शरीर अलग दिखाई पड़ता, मैं अलग दिखाई पड़ता हूँ। और ऐसी जब ऊर्जा अंदर जाती है, तब ये पड़ा शरीर और मैं ये पड़ा, मतलब कुछ गया नहीं अंदर से, पैरों ने काम करना बंद कर दिया, हाथों ने हिलना बंद कर दिया। समाधि भी आप देखते हैं कि लोग दो दो तीन तीन घंटे समाधि में रहते हैं, बैठे रहते हैं। समाधि की बात करना बहुत आसान है, समाधि में को दर्शाना बहुत आसान है, पर समाधि में होता क्या है? समाधि में यही तो होता है, आपके हाथ पैर नहीं हिलते, घंटों आप बैठे रहते हैं, आपकी सांस भी धीमी पड़ जाती है, पैर हिलना बंद कर देते हैं, आँख खुलना बंद हो जाती है, और हम बिल्कुल से शरीर ऐसा हो जाता है मृतवत, पर अंदर चेतना साक्षी भाव से जागृत रहती है, ये जीवित जागृत मृत्यु। इसलिए लोगों को ध्यान करने में डर लगता है कि उन्हें स्पष्ट मृत्यु का अनुभव होने लगता है कि हम डूब रहे हैं, हम डूब रहे हैं, हम डूब रहे हैं, और लोग ध्यान में घबरा जाते हैं, लोग ध्यान नहीं करते। पर एक बार आप समझ जाएंगे, आप ध्यान करते करते उस केंद्र में पहुंच जाएंगे, अपने मूल स्रोत पर पहुंच जाएंगे, केंद्र पर, कि जहां से आप जान लेंगे जीवन है। और जिस दिन आप जीवन से परिचित हो जाएंगे, बिना ध्यान किए, बिना ऊर्जा को खींचे, आप जीवन से परिचित नहीं हो सकते। आप अभी जीवन से परिचित नहीं है, ये हमारी अज्ञानता है। और जिस दिन जीवन से परिचित हो जाएंगे आप, आपको जीवन का अनुभव हो जाएगा, उस दिन आपका मृत्यु का भय खत्म हो जाएगा। आप भी कहेंगे कि मृत्यु नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, जो होता है जीवन होता है। तो ज्ञान ही शक्ति है, और ज्ञान ही मुक्ति है, और जिस चीज़ को हम जान जाते हैं उससे मुक्त हो जाते हैं। जब तक आप जीवन को नहीं जानेंगे, आप मृत्यु से मुक्त नहीं हो सकते। और बहुत सारे प्रयोग इसके ऊपर हुए हैं, बारदो प्रयोग है, और बहुत सारे लोग, वो मैं उन लोगों को बहुत पापी समझती हूँ, मैं अपराधी समझती हूँ उन लोगों को, जो किसी अच्छी आत्मा का आह्वान किए बिना
और भोग में प्रवेश कर जाते हैं। माँ बाप अपने बच्चों की पढ़ाई की चिंता करते हैं, माँ बाप अपने बच्चों के कपड़ों की चिंता करते हैं, उनके खाने की चिंता करते हैं, पर आपके अंदर कौन कैसी आत्मा आ रही है, आप कैसे आत्मा को अपने अंदर प्रविष्ट हो रहे हैं, इस बात की आप चिंता नहीं करते। जब आप भोग में उतरते हैं उससे पहले अगर माँ बाप ईश्वर से आह्वान करें कि मेरे घर में अच्छी आत्मा आए, एक अच्छी आत्मा जन्म ले, तो आपके घर में दिव्य आत्मा का जन्म होगा। और नहीं तो फिर कोई भी आत्मा चली आएगी आपके अंदर और फिर कहेंगे वही बच्चे होते हैं जिनको आप बड़े बचपन में बहुत अच्छे से पालते हैं पोसते हैं, जिनका ध्यान रखते हैं आप, जिनको आप पढ़ाई में को, पर वो बड़े होकर दारू पीने लगते हैं, शराब पीने लगते हैं। बहुत सारे लोग तो बड़े बड़े घर के लोग मैंने देखे हैं कि ऐसे बच्चे होते हैं माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, क्योंकि निकृष्ट आत्माएँ हैं। और माँ बाप को चाहिए कि वो अच्छी आत्माओं का आह्वान करें। मैं इसलिए 30 महीने में गर्भ को दीक्षा भी देती हूँ। अगर आप अच्छी आत्माओं का आह्वान करेंगे तो धीरे धीरे पृथ्वी पर अच्छी आत्मा आएंगी। एक समय था जब बहुत अच्छी अच्छी आत्माओं ने एक साथ जन्म लिया, कभी एक साथ बहुत बुरी आत्माएं जन्म लेती हैं, बुरी आत्माएं भी एक साथ, जैसे हिटलर है, माओ है, स्टेलिन है, ये एक समय के लोग हैं। नीच स्तर की आत्माओं में हिटलर जैसे लोग पैदा होते हैं, हिटलर, स्टेलिन, माओ। हिटलर ने करोड़ों लोगों को मरवा दिया, करोड़ों लोग मर गए, और उसने कहा कौन इनको मारे, और उसने इतनी बुरी तरह से मारा, इतनी क्रुएल्टी कि उसने लोगों को इतनी बुरी तरह से मारा, इतनी बुरी तरह से गैस चैम्बर बनवा दिया। उसने कहा एक एक आदमी को मारेंगे तो बहुत खर्चा आएगा, खून भी बहेगा, गंदगी भी होगी, तो उसने चैम्बर से बनाए और उन चैम्बर में लोगों को बंद करके मारा, लोग भाष्पीभूत हो जाएं, इनकी हड्डी बचे ना, मांस बचे ना, रक्त बचे, इस तरह से उसने लोगों को मारा। स्टेलिन ने रूस में 60,000 लोगों को मरवा दिया। तो ये जब अच्छी आत्माएं लेती हैं, जन्म लेती हैं, जैसे बुद्ध है, महावीर है, और भी उस समय के लोग थे, एक अच्छी आत्माएं थी बहुत अच्छी, उन्होंने 2500 वर्ष पहले एक साथ बहुत अच्छी आत्माओं ने जन्म लिया। क्योंकि अच्छी आत्माएं भी जल्दी जन्म नहीं लेती और निकृष्ट आत्माएं भी जल्दी जन्म नहीं लेती। निकृष्ट आत्मा और हिटलर जैसी आत्माओं को जल्दी जल्द मिलता नहीं है और मिलना भी नहीं चाहिए। और जो अच्छी आत्माएं होती हैं, दिव्य आत्माएं होती हैं, उनको भी बहुत जल्दी गर्भ नहीं मिलता। और जो मध्यम आत्माएं रहती हैं वो 13 दिन के अंदर जन्म ले लेती हैं। यहाँ शरीर छोड़ा नहीं कि यहाँ जन्म, क्योंकि उनके जीवन की कोई च्वाइस नहीं रहती है। जो मिल गया, क्योंकि जब आदमी मरता है तो उसको बहुत सारे जोड़े दिखते हैं संभोग करते हुए, जो मध्यम आत्माएं रहती हैं, और वो किसी भी घर में प्रवेश कर जाती है, उनके पास कोई च्वाइस नहीं है। जो अच्छी आत्माएं रहती हैं उनके पास च्वाइस है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, जब आपको लगता है कि हम मर रहे हैं, हमारा शरीर, हमारी चेतना जो है, प्राण ऊर्जा है, वो केंद्र में लौट रही है, धीरे धीरे लौट रही है, तो शरीर डूबता जाता है, डूबता जाता है, डूबता जाता है, और हमें लगता है हम मरे, अब मरे, अब मरे, और 90% लोग मृत्यु से पहले ही बेहोश हो जाते हैं। और बेहोशी में मरते हैं तो बेहोशी में ही जन्म लेते हैं। और जिसका ऐसा जीवन होता है तो उन्हें अपने पूर्व जन्म का कुछ पता नहीं रहता, क्योंकि बेहोशी में ही मर गए थे। पर जो उच्च कोटि के साधक होते हैं, सुकरात को जब जहर दिया गया तो जहर पीने के बाद उसने अपने दोस्तों को बताया कि अब मेरे पांव ने काम करना बंद कर दिया, मेरे हाथों ने काम करना बंद कर दिया, फिर भी अंदर में हूँ, आखिरी में उसने कहा पूरे शरीर ने काम करना बंद कर दिया, तब भी वो बात कर रहा था। उसने कहा पर अब मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा, पर अंदर में अभी भी हूँ। ऐसे बहुत सारे लोगों ने प्रयोग किए। एक बहुत सच्ची बात आप लोगों को बताती हूँ। एक बार लखीमपुर खीरी में शिविर था, और शिविर में पहले क्या होता था कि आखिरी में मैं बगला का ब्रह्मास्त्र प्रयोग संपन्न कराती थी। पहले आज से 10-12-15 साल पहले की बात कर रही हूँ आपसे। तो आखिरी में मैं ब्रह्मास्त्र प्रयोग, बगला ब्रह्मास्त्र प्रयोग संपन्न कराती थी। और उसके बाद जब गुरुजी, हम और गुरुजी रुकते नहीं थे होटल में, सीधे निकल पड़ते थे। और पहले हम कहीं भी जाते थे तो गाड़ी से ही जाते थे। तो लखीमपुर खीरी से वापस लौट रहे थे, तो बाद में लौटते लौटते बहुत ठंड के दिन थे, मुझे अचानक रास्ते में कार में मेरी तबीयत खराब होने लगी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उरई एक जगह पड़ी, मैंने अपने ड्राइवर से, राजेश ड्राइवर मेरे पास था, मैंने राजेश से कहा राजेश गाड़ी रोक लो, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, मैं यहाँ रुक जाऊँगी।
तो राजेश ने गाड़ी रोक ली, तो मैं पहले आगे की सीट में लेटती थी, जब गुरु आजकल उल्टा हो गया, जैसे गुरु जी का ऑपरेशन हुआ है तब से मैं पीछे लेटने लगी हूँ, गुरु जी को आगे कर दिया। नहीं पहले मैं आगे लेटती थी, गुरु जी पीछे की सीट पर रहते थे। मैंने कहा राजेश मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्या करें, तुम गाड़ी रोक लो, यहीं रुक जाते हैं, मेरी तबीयत बहुत घबरा रही, कुछ अजीब लग रहा है, पसीना बहुत आ रहा है मुझे, मैंने कहा इतनी ठंड में भी, और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तबीयत कुछ अंदर से अजीब सा लग रहा था। तो राजेश ने एक अच्छे होटल में, जो उरई में जिस होटल में हम लोग रुकते थे अक्सर खाना खाते थे, उस होटल में रोक लिया। तो तुम्हारे पिताजी ने पूछा यहाँ क्यों रोक लिया, मैंने कहा मैं यहीं रुकूँगी रात में, आज मैं सफ़र नहीं कर पाऊँगी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। बोले ठीक है, हम लोगों ने होटल में एक कमरा लिया और मेरे को तो तब तक कुछ अजीब लग रहा था, मैं जाके बिस्तर पर लेट गई और गुरु जी बाथरूम के अंदर चले गए। थोड़ी देर के बाद मैं क्या देखती हूँ, मैं लेटी हूँ और एक पंखे की तरह मेरा एक सूक्ष्म शरीर ऊपर चला गया, बिल्कुल जैसे मृत्यु के समय जाता, मैं पड़ी हूँ और मेरा शरीर ऊपर पड़ा हुआ है, ऊपर चला गया, एक पंखे के समान गोल गोल घूम रहा है। ये शरीर से बाहर निकलने का मेरा पहला अनुभव था और मैं चिल्ला रही हूँ अरविंद अरविंद देखो मुझे क्या हो रहा है, मैं बोल भी रही हूँ कि देखो क्या हो रहा है, शरीर मैं देख रही, मेरा शरीर नीचे पड़ा है और मैं पंखे की तरह गोलती, मेरे प्राण ऊपर गोलते घूमते घूमते और नीचे सीढ़ियों तक पहुंच गया होटल के, और मैं आवाज़ दे रही अरविंद देखो मुझे, अरविंद देखो मुझे, क्योंकि जब आदमी मर जाता है तो उसको विश्वास नहीं होता कि वो मर गया है, जब प्राण निकल जाते हैं उसे लगता है ये कोई सुने, पर उसकी आवाज़ कोई सुन नहीं पाता, और मैं चिल्ला रही हूँ अरविंद अरविंद, तुम्हारे गुरु जी को मैंने बहुत आवाज़ दी पर उन्होंने सुना नहीं। और फिर मैंने कहा ओम परम तत्वाय नारायण गुरुभ्यो नमः, इतनी चैतन्यता थी मुझमें, और मैंने 3 बार गुरु मंत्र पढ़ा, जब नीचे तक मेरे प्राण पहुंच गया होटल के बाहर तक, तो मेरे प्राण धम्म से शरीर के अंदर आ गए, और ये मेरा पहला अनुभव था शरीर से बाहर निकलने का। तो बीच में कुछ भी नहीं जाता उस समय, इसको आप क्या कह सकते हैं कि अपनी मृत्यु अपने हाथ से देख लेना, कि शरीर नीचे पड़ा है और आप ऊपर घूम रहे हैं और फिर वापस आप शरीर में आ गए। ये प्रथम दर्शन थे जीवन जागृत मृत्यु के, और उस दिन से मृत्यु का भय मेरे अंदर से समाप्त हो गया, क्योंकि समाप्त कोई होता नहीं। पहले के ज़माने में क्या होता था, रेलगाड़ी नहीं थी, रेलगाड़ी चलती नहीं थी, तो लोग एक शहर से दूसरे शहर कैसे जाते थे, लोग एक शहर से दूसरे शहर जाते थे घोड़ों से, रास्ते में एक घोड़ा रहता था, फिर उस घोड़े को बाद दूसरे गांव में आते थे दूसरा घोड़ा बदल लेते थे, फिर किसी गांव में आते थे फिर तीसरा घोड़ा बदल लेते थे, ऐसे घोड़े बदलते थे लोग पहले, और फिर घोड़े से ही यात्रा करते थे। तो जब तुम्हारा सूक्ष्म शरीर अंदर पहुंचता है केंद्र में, तो फिर वो बीज बन जाता है, और फिर सूक्ष्म देह नई यात्रा पर निकल जाता है, अनंत लोकों की यात्रा पर। जैसे तो क्या घोड़ा बदल जाता है, अब कहें लोग कहते हैं आत्मा अमर है, तो ये जब तक आप अमृत को देखोगे नहीं, अमृत को जानोगे नहीं, अमृत को पहचानोगे नहीं, आपकी जान पहचान नहीं होगी, आप उस स्टेज में नहीं पहुंचेंगे, तब तक ये आपके लिए किताबी बात रहेगी। पर जिस दिन आप जीवन के केंद्र तक पहुंच जाएंगे, जिस दिन आप जीवन को जान लेंगे, फिर ये उनको आपको लगेगा कि ये रहा शरीर और ये रहा मैं, उस दिन मृत्यु का भय खत्म हो जाएगा, सिर्फ घोड़े ही बदल लिए जाते हैं। जैसे एक घोड़ा बदल के वो घोड़ा थक गया था, ठीक है हमने दूसरा घोड़ा बदल लिया, ये शरीर पुराना हो गया था, खराब हो गया था, हमने नया शरीर ले लिया, और कुछ भी नहीं है। पर ये आपको अपनी चेतना से, अपनी प्राण शक्ति से समझना होगा, आपको ऊर्जा खींचना आना चाहिए केंद्र में, ध्यान में ऊर्जा खींची जाती है संकल्प से, ऊर्जा अंदर आ रही आ रही आ रही, इस तरह के प्रयोग आपको करने पड़ेंगे, और इस तरह के प्रयोग होते हैं और साधक को जरूर करना चाहिए, क्योंकि आप जीते जी मृत्यु के संबंध में कुछ कर सकते हैं, मरने पे कुछ नहीं कर सकता आदमी जो कुछ भी कर सकता है जीवन में कर सकता है। और जीवन में आप ये प्रयोग कर सकते हैं, आप ध्यान का प्रयोग कर सकते हैं, आप अपने शरीर की ऊर्जा केंद्र में खींच सकते हैं, आप अपने ऊर्जा को सिकोड़ सकते हैं, अपने केंद्र में आत्मा तक पहुंच सकते हैं। योगियों ने बहुत सारी नाड़ियों की बात की है,
शरीर में इतनी नाड़ियाँ होती हैं, 7 चक्र होते हैं, ये होता है, वो होता है, ये बात की योगियों ने, जो अपने सूक्ष्म शरीर तक पहुंच गए, जो जीवन तक पहुंच गए, उन्होंने ये बात की, उन्होंने देखा। पर अगर कोई पैथोलॉजी वाला या कोई फिजियोलॉजिकल या कोई शारीरिक विज्ञान वाला देखेगा तो बोलेगा ये नाड़ियाँ जो योगियों की, ये तो है ही नहीं शरीर में, और ये कोई चक्र भी शरीर में नहीं है, दिखते ही नहीं, और उनको दिख भी नहीं सकते कभी। ये चक्र दिखेंगे आपको जब आप अपने अंदर पहुंच जाएंगे, घर के बरांडे में पहुंच जाएंगे। आप घर की दीवार को ही जीवन की पूर्णता समझ गए हैं कि घर की जो चार दीवारी है, जो बीज है, यही पूर्ण है। पर जिस समय आप अंदर जाएंगे तो आपको वो नाड़ियाँ भी दिखेंगी और वो चक्र भी दिखेंगे। ये चक्र क्या है? ये हमारे स्थूल देह और आत्मा के बीच के एक फील्ड है, एनर्जी फील्ड है ये, जिससे संबंध बना रहता है। ये एनर्जी फील्ड है सभी चक्र हमारे, और सबसे बड़ा एनर्जी फील्ड है आत्मा और स्थूल देह के बीच में, वो हमारा नाभि। नाभि का स्थल जो होता है वो सबसे बड़ा फील्ड स्तर है, जहाँ से आप सबसे ज़्यादा आत्मा से जुड़े हुए होते हैं। तो जब तक आप अंदर नहीं पहुंचेंगे, जब तक आप अंदर नहीं जाएंगे, जब तक आपकी अंदर की यात्रा शुरू नहीं होगी, आपके समझ में कुछ नहीं आएगा, आपको सभी किताबी बातें लगेंगी। महावीर बुद्ध ने, मैंने कहा बहुत सारे लोग मृत्यु से पहले ही बेहोश हो जाते हैं, जिसके अंदर से मृत्यु का भय खत्म हो जाता है, वो होशपूर्ण शरीर छोड़ता है, वो होशपूर्ण घोड़ा बदलता है। तो फिर उसका जन्म भी उसकी इच्छा से ही होता है, फिर ऐसा नहीं कि कहीं भी ढक, बेहोशी में आप शरीर छोड़ेंगे तो आप बेहोशी में जन्म लेंगे, कहीं भी धकेल दिए जाएंगे। पर आप जब होश में आप शरीर छोड़ेंगे तो जन्म भी आपका होश में ही होगा, वो आपकी चॉइस है। यही जीवन मुक्ति क्या है? लोग जीवन मुक्ति की बात करते हैं, जीवन मुक्त व्यक्तित्व होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, बड़ी बड़ी बातें, पर जीवन मुक्त होता क्या है? जो अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से जन्म ले, पहले दिन से ऐसा व्यक्ति स्वतंत्र होता है। बुद्ध हैं, महावीर हैं, कृष्ण हैं, और भी जितने तुम्हारे भगवान हुए, उन्होंने अपनी इच्छा से जन्म लिया, राजाओं के घर में जन्म लिया, जहाँ खाने पीने की सुख सुविधा हो, अच्छा माँ बाप अच्छे सुंदर हों, गोरे नारे हों, अच्छे हों और स्वस्थ हों। तो हमें क्या, कहाँ जन्म लेना चाहिए? ऐसा नहीं भी किसी के भी घर में जन्म ले लिया। तो जो उच्च आत्माएं रहती हैं, जो जागृत अवस्था में शरीर का त्याग करता है, अपना घोड़ा बदलता है, फिर उसका मन, वो च्वाइस आ जाती है कि उसे कहाँ जन्म लेना है, वो जीवन मुक्त होता है, पहले दिन से ही वो स्वतंत्र होता है। नहीं तो 99% लोग धकेल दिए जाते हैं, और जहाँ जीवन मिल गया वहाँ जीवन ले लिया, जैसा जीवन मिला वैसा जीवन जी लिया, पर ये कोई जीवन नहीं है। आपका स्वतंत्र जीवन होना चाहिए कि आपका जन्म आप चाहें जब चाहें, अगर आप चाहें कि अभी आपको जन्म नहीं लेना है तो आपका जन्म नहीं हो, क्योंकि बहुत सारी श्रेष्ठ आत्माएं जल्दी जन्म नहीं लेती हैं। बहुत सारी दिव्य आत्माएं वो अशारीरिक रूप में ही रहती हैं, वो वैसे काम करती रहती हैं लोगों का, पर जन्म नहीं लेती। बड़े गुरु जी ने जब शरीर छोड़ा था तो मैं उनके पास खड़ी हुई थी, और मैं देख रही थी कि उनकी आंखें बिल्कुल चैतन्य, एकदम चैतन्य। ऐसा नहीं कि वो, जबकि 3 घंटे बाद तो खबर मिल गई थी बड़े श्री गुरु जी का निर्वाण हो गया है। तो मैंने कहा जो चैतन्य अवस्था में शरीर छोड़ता है उसका निर्वाण होता है। अब बड़े गुरु जी की आंखें एकदम ऐसी मुझे देख रहे थे, ऐसे ऐसे करके इशारा भी कर रहे थे, और मैं भी उन्हें देख रही थी और वो मुझे दिख रहे थे, और चेहरे पे बहुत सौंदर्य, बहुत चमक, आंखों में बहुत चमक उनकी। क्योंकि जब आदमी चैतन होता है, जागृत होता है, तो एक अलग दुनिया में पहुंच जाता है। जब अपने आदमी अपने केंद्र तक जाके जागृत होता है तो वो एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है, एक अलग डायमेंशन में पहुंच जाता है। तो ये पूरा का पूरा खेल जागृति का है कि आप कितने जागे हुए हैं और आप कितने सोए हुए हैं। एक सोया हुआ व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, और आपको ये जो जीवन मिला है इसमें ही आप कुछ कर सकते हैं। महावीर का और बुद्ध का एक बहुत बड़ा योगदान था। एक बारदो प्रयोग भी होता है, तिब्बत के लोग एक बारदो प्रयोग करते हैं, उसके बारे में फिर कभी आपसे चर्चा करूँगी, फिर कभी अलय विज्ञान के बारे में आपसे चर्चा करूँगी, अलय विज्ञान क्या है और ये जाति प्रकरण क्या है, जाति विज्ञान क्या है। महावीर और बुद्ध का बड़ा योगदान है। जो ध्यान की पूर्ण अवस्था में पहुंच जाते हैं ध्यान करते करते, वो अपने कई जन्मों की स्मृतियां उनको मिल जाती हैं, क्योंकि कोई भी स्मृति आपके मस्तिष्क में, मैंने अगली बार कहा था कि हमारे सूक्ष्म शरीर में सारी कई जन्मों की स्मृतियां रहती, कुछ भी नहीं मिटता,
और जब सूक्ष्म देह शरीर में किसी आत्मा में शरीर में प्रवेश करता है, हम कहते हैं किसी आत्मा ने प्रवेश किया। असल में आत्मा प्रवेश नहीं करती है माँ के घर में, पूरा सूक्ष्म देह प्रवेश करता है और उसमें पूर्व जन्म के संस्कार रहते हैं और सारी चीज़ें संग्रहित रहती हैं तुम्हारे कई जन्मों की। और जब आप ध्यान करते हैं, अगर आप अपना पूर्व जन्म देखना चाहें तो ध्यान जो ध्यानस्थ व्यक्ति होता है वही देख सकता है। बुद्ध और महावीर ने यही किया, उनका जो योगदान है सबसे बड़ा मनुष्य जाति को वही जाति प्रकरण ही है कि लोगों को वो अपना पूर्व जन्म दिखा देते थे। महावीर ने अहिंसा की बात की, बुद्ध ने बहुत सारी बात की, पर मेन योगदान क्या है उनका? मेन योगदान यही था उनका कि उन्होंने अपने साथ 40,000 लोग महावीर के साथ चलते थे और 40,000 लोग चलते हैं तो बिना श्रद्धा के बिना विरक्त हुए कोई व्यक्ति इतनी सन्यासी नहीं बनता। वो बुद्ध के साथ भी 40,000 लोग चलते थे, जब कहीं बैठते थे 10,000 साधकों के साथ उस गांव की हवा बदल जाती थी। और सबसे पहले वो अपने साधक को ध्यान सिखाते थे, जब ध्यान की चरम अवस्था पहुँच जाता था तो फिर उसको जाति प्रकरण का पूरा समझाते थे, कैसे तू अपने पूर्व जन्म को देख सकते हो। और लोग अपने कई जन्म देख लेते थे और इतना को आसान नहीं है। जिस दिन आप ध्यान अच्छे से करने लगेंगे आप भी अपने कई जन्म देख ले देंगे। बड़े गुरुजी ने मेरे जन्म देख के मुझे बता ही दिया था, देखते साथ कि तुम मेरे पूर्व जन्म की शिष्या थी, ये थी वो। तो पूर्व जन्म देखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ध्यान में हम चेतना का उपयोग करते हैं दिए की तरह, पर जब हम पूर्व जन्म को जानना चाहते हैं तो हमें टॉर्च की तरह देखना पड़ता है, क्योंकि हमारे शरीर में भी जैसे हमारे घर में कबाड़ खाना होता है जिसमें हम सारे सामान इकट्ठे करके रखते हैं। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी करते हैं, जैसे टूटी कुर्सी है, ये है, पुराने सामान है, पुरानी अलमारियां हैं, हम अपने कबाड़ खाने में इकट्ठा। ऐसे एक कबाड़ खाना हमारे अंदर भी है, मस्तिष्क में, एक किसी कोने में। अगर कोई आपसे पूछे आज से 15 साल पहले शनिवार के दिन आपने क्या किया, आप नहीं बता पाएंगे। पर आप ध्यान में जब क्या कहते हैं जाति प्रमोद विधि से आप जाएंगे, टॉर्च से देखेंगे, तो आप एक एक बात ऐसी बता देंगे जीवंत कि जैसे उसी दिन की घटना आप सुना रहे हैं। और ऐसा लोगों ने किया, और ये महावीर बुद्ध ने अपने शिष्यों को यही सिखाया कि वो पूर्व जन्म देखते थे, फिर हमने जन्म लिया, कितनी बार हम मरे, कितनी बार जन्म लिया, कितने पुरुषों को भोगा, कितनी स्त्रियों को भोगा, फिर बच्चे हुए, फिर शादी हुई, फिर कमाया, खूब पैसा कमाया, फिर मर गए, फिर जन्म लिया। तो उन्होंने लगा कि 20-20 बार हम ये सब कर चुके हैं, तो उनको विरक्त हो जाते थे वो और सन्यासी बन जाते थे। जब तक आदमी को अपना पूर्व जन्म समझ में ना आए, ना देखे, वो विरक्त नहीं हो सकता। वो शब्द कुछ देख लेते हैं, कितनी बार मैंने बच्चे पैदा किए, कितनी बार मैंने शादी करी, कितनी कितनी मैंने स्त्रियों को भोगा, कितने लोगों के साथ किया, फिर से मैंने वही कमाया, फिर से मैंने ये किया, फिर मैंने वो किया, फिर सात फेरे लिए, फिर मर गया। कई बार हम मरे हैं पर हर बार हम बेहोशी में मरे हैं, इसलिए कोई च्वाइस नहीं रही जीवन की। तो जब साधक जीवन को समझ लेता है और जागृत अवस्था में शरीर को छोड़ता है तो उसके जीवन में च्वाइस होती है कि उसे क्या करना है। मैंने कहा ज्ञान ही शक्ति है और ज्ञान ही मुक्ति है, और जिस चीज़ को हम जान जाते हैं उससे हम मुक्त हो जाते हैं। मृत्यु जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, ये सबसे झूठा शब्द है, ये बिल्कुल झूठा शब्द है। जो कुछ होता है जीवन होता है और जीवन अनंत होता है, सिर्फ घोड़े बदल दिए जाते हैं, हम दूसरे घोड़े पर सवार होकर अनंत यात्राओं पर निकल जाते हैं। और मैं चाहूँगी कि मेरे शिष्य प्रयोग करें, ध्यान करें, ध्यान के माध्यम से पालती मार के बैठे ये अपनी चेतना को केंद्र में ले जाएं, केंद्र से देखें और धीरे धीरे इनको सारी चीज़ समझ में आ जाए। आप लोगों को मैं यही आशीर्वाद देती हूँ कि आप के अंदर से मृत्यु का भय खत्म हो जाए, क्योंकि मृत्यु जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, जो कुछ भी होता है जीवन होता है। और अपने जीवन को समझें, आप परमात्मा के बीज हैं, मैंने कहा आप बीज हैं पर आप परमात्मा नहीं हैं। और बीज का अपना कोई जीवन नहीं होता, भले किसी भी चीज़ का बीज हो, वो बीज की अपनी पूर्णता नहीं होती कि जब तक बीज में से वृक्ष प्रकट नहीं होगा। जिस दिन आपके अंदर से वृक्ष प्रकट हो जाएगा तो आप उस केंद्र तक पहुंच जाएंगे, उस चेतना को उस स्तर पर पहुंच जाएंगे जहां आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आप अपनी मृत्यु भी समझ जाएंगे, अपना जीवन भी समझ जाएंगे और जीवन का स्रोत भी समझ जाएंगे कि आप जीवन के स्रोत तक पहुंच गए हैं और जो कुछ है जीवन में। फिर मृत्यु के समय किसी को मृत्यु का भय नहीं लगेगा, आप भय रहे जीवन जिएंगे। अभी हम भय रहे जीवन नहीं जी रहे हैं, हम डरे डरे जी रहे हैं, हम मरे मरे जी रहे हैं।
एक बार तुम्हारे गुरुजी क्या थे, अस्पताल में भर्ती थे, उनका स्वास्थ्य खराब था, लूज मोशन हो रहे थे, मैंने उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया था। अब रात के 11-12 बज गए, कुछ था नहीं तो अंदर कमरे में थे, कुछ आराम भी था, तो कहने लगे कि साधना एक काम करो, तुम चली जाओ, मैं आ जाऊंगा। घर आ गई, घर आई तो 2 घंटे बाद मैं क्या देखती हूँ कि मेरे बाजू वाले पलंग पे गुरुजी सो रहे हैं। मैं उठी, मैंने कहा अरविंद तुम, बोले मुझे अस्पताल में अच्छा नहीं लग रहा था, मैं आ गया। मैं छोटी छुट्टी लेके आ गए, और उस समय मैं चेतना की अलग स्तर पर थी। जब चेतना आपकी गियर बदलती है, उस समय आपको नींद नहीं कह सकते। एक समय ऐसा आता है कि चेतना भी, जैसे आप गाड़ी गियर बदलती है, फर्स्ट गियर सेकंड गियर, ऐसी चेतना भी गियर बदलती है। और मैं उस समय नींद में नहीं थी। नींद और जागृति की पहली अवस्था में जो कुछ भी आपके सुख शरीर से जान पहचान होती है, बात होती है, आत्माओं से जो बात होती है, वो जब चेतना गियर बदलती तभी होती है। और कहने मैं तो आ गया, मेरा अस्पताल में मन नहीं लग रहा था, मैं सोची कि छुट्टी करा के आ गया। फिर जब मैंने आँख खोली तो नहीं थे, मैंने कहा अच्छा इनका शुभ शरीर आ गया, तो पीछे लगू है, वो मेरे पीछे ही लगे रहते हैं। अभी मैं निखिल धाम भी आऊँगी तो भी पीछे ही लगे रहेंगे, मैं भी चल रहा हूँ, और अगर मैं घर आ जाऊँगी तो मेरे पीछे पीछे घर तक आ जाएंगे, और पीछे लगू है वो। और पहले भी मैंने देखा कई बार जब उनकी केतु की महादशा चल रही थी, तो अब तो शरीर से बहुत बाहर निकलते थे, मुझे हिला हिला के उनको वापस शरीर में लाना पड़ता था। तो एक बार जिस योगी की या जिसके भी शरीर से बाहर निकलने की स्थिति आ जाती है, फिर वो ज़्यादा स्वस्थ नहीं रह पाता, क्योंकि शरीर, हम लोग सोचते हैं कि योगी जो है बहुत स्वस्थ होगा, लाल बम हट्टा कट्टा होगा, पर ऐसा नहीं है। ये जब सूक्ष्म शरीर, जब जिस दिन मेरा पहली बार सूक्ष्म शरीर निकला था, तो मैंने देखा थोड़े दिन के बाद ही मेरे कुछ आगे के बाल सफ़ेद होने लगे थे, पहले उसके पहले एक बाल भी सफ़ेद नहीं था। तो ये आप नहीं कह सकते, क्योंकि आप कोई गाड़ी को खोल देंगे, इंजन को खोल देंगे, तो थोड़ा तो गड़बड़ा जाएगा। बड़े गुरु जी क्यों 63 साल की उम्र में चले गए? क्योंकि सूक्ष्म शरीर से रोज अपने गुरु के पास जाते थे, सिद्धांत समझाते थे, आते थे, ये बाकी बीमारियां तो एक बहाना है। तो जिस शरीर को समझना पड़ेगा, और मैंने जो बहुत सारे उदाहरण दिए आपको, वो सूक्ष्म शरीर कैसे बाहर निकलता है, और ये फिर एक बार बाहर निकलना शुरू हो जाता है तो ये फिर बार बार बाहर निकलता है, और यही चेतना के स्तर पर जानना है। क्योंकि आप किताब में जो बात पढ़ेंगे, आपको लगेगा कि अहम ब्रह्मास्मि, आप बोलेंगे ठीक है, अगर आपने बोल दिया अहम ब्रह्मास्मि, पर जिस दिन आप जान जाएंगे कि आप ही ब्रह्म हैं, आप ही ईश्वर हैं, आप ही सब कुछ हैं, उस दिन आपका जीवन एक अलग बदल जाएगा। आपकी सोच बदल जाएगी, आपकी देखने की नज़र बदल जाएगी, आपकी सृष्टि बदल जाएगी, आपके लोग बदल जाएंगे, सब कुछ बदल जाएगा, ये पूरी दुनिया बदल जाएगी आपकी। और मैं तुम लोगों को ऐसे ही आशीर्वाद देती हूँ कि जीवन को समझें, क्योंकि धर्म जीवन और मृत्यु की कला है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पोथी पढ़ना ही, इंतजाम करो, साधनाएं करो, साधक को करना चाहिए, और इसके बहुत सारे लाभ भी हैं। ऐसा नहीं कि इसके लाभ नहीं हैं, इसके बहुत लाभ हैं, पर आप अपने जीवन को नहीं जानेंगे तो फिर मृत्यु को कैसे जानेंगे, और चीज़ें कैसे जान लेंगे? ये अहम ब्रह्मास्मि वाली बात तो उसी दिन सार्थक होगी आपके साथ, जिस दिन आप अपने मूल स्रोत तक पहुँच जाएंगे, अपने जीवन को जान लेंगे, तो उस दिन आपको ऐसा लगेगा कि मृत्यु बिल्कुल झूठी चीज़ है, मृत्यु नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, जो कुछ होता है जीवन होता है, जीवन होता है और सिर्फ जीवन होता है। ऊर्जा को कैसे खींचा जाता है शरीर के अंदर, जो तुम्हारी प्राण ऊर्जा है, ये पूरे शरीर में जो फैली हुई है, इसको मैंने कहा धीरे धीरे अंदर खींच रहे हैं संकल्प के सहारे। तो जब जीते जी हम अपनी मृत्यु का अनुभव कर लेंगे, तो आप एक अलग लोक में पहुँच जाएंगे। ऐसे बैठ गए पद्मासन में, ऐसे हाथ रखें, आँख बंद की, अब संकल्प से आपको धीरे धीरे ऊर्जा को अंदर खींचना है। मेरी सारी ऊर्जा अंदर जा रही है, ऊर्जा अंदर जा रही है, ऊर्जा अंदर जा रही है, पैरों से ऊर्जा अंदर जा रही है, हाथों से, मेरी सारी ऊर्जा अंदर जा रही है, सारी ऊर्जा वापस लौट रही है, केंद्र में लौट रही है, केंद्र में वापस लौट रही है, ऊर्जा लौट रही है, ऊर्जा अपने केंद्र में वापस जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है, ऊर्जा वापस जा रही है, ऊर्जा अपने केंद्र में जा रही है। इस संकल्प के सहारे आपको धीरे धीरे ऊर्जा को भीतर ले जाना है। ऊर्जा जा रही है, ऊर्जा अंदर जा रही है, ऊर्जा केंद्र में जा रही है, ऊर्जा अपने केंद्र में जा रही है, ऊर्जा जा रही है,
जा रही है, प्राण शक्ति अंदर जा रही है, प्राण शक्ति अंदर जा रही है, प्राण ऊर्जा अंदर जा रही है, जा रही है, अंदर जा रही है। जब कुछ दिन आप लगातार इसका प्रयोग करेंगे, धीरे धीरे अंदर पावर शक्ति को खींचेंगे, धीरे धीरे खींचेंगे, तो आपका ध्यान लग जाएगा और आपको लगेगा कि शरीर अलग पड़ा है और मैं अलग, और आप साक्षी भाव से देख रहे हैं कि एक तरफ आप हैं, आपको डिफरेंस है बीच में, और जो आत्मा के कॉन्टेक्ट फील्ड हैं वो धीरे धीरे आपको अंदर ले जाएंगे। मैंने कहा नाभि सबसे बड़ा कॉन्टेक्ट फील्ड है, ये सारे चक्र जो हैं ये कोई साधक ही समझ सकता है जो ध्यान में जाता है। मैंने कहा जब सबसे पहली बार मेरा शरीर बाहर निकला था वो लखीमपुर खीरी में था, उसके बाद तो कई बार ऐसी घटना घटी, ये अपने आप भी घटनाएं घटती है, पर जो पूर्वजन्म के संस्कार हो, पूर्वजन्म में आपने बहुत ध्यान किया हो, बहुत साधनाएं की हो, तो आपको संकल्प करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही 2 मिनट 5 मिनट में आपको अपने आप ध्यान लगने लगता है, ध्यान बरसता है आपके ऊपर, और ये प्रयोग आप करेंगे तो धीरे धीरे ध्यान भी बरसने लगेगा आपके ऊपर। ऐसे ही आपको अपनी ऊर्जा को अंदर खींचना है, खींचना है, खींचना है, क्योंकि ये शरीर बहुत आज्ञाकारी है और ये संकल्प से ही चलता है। और आपको एक बात बताऊं, जिस दिन ये घटना घटी थी सबसे पहली बार लखीमपुर खीरी में, तो आपके अंदर से ही बाजों की आवाज़ आती है, आपके अंदर से ही सुगंध आती है, और ऐसा लगता है ये 5 प्रकार के बाजे जो शिव पुराण में, बिल्कुल सच बात बता रही हूँ आपको, क्योंकि जिस दिन घटना घटी सुबह सुबह मैंने अपने ड्राइवर से कहा, क्यों यहाँ के शिष्यों को पता चल गया क्या, क्या माता जी, मैंने कहा कितने बाजों की आवाज़ आ रही है, कितनी घंटियों की आवाज़ आ रही है, और कितने नगाड़े ढोल नगाड़े बज रहे हैं, क्या शिष्य लोग को पता चल गया है हो रही में अभी कि माता जी गुरु जी आए हुए हैं। बोले नहीं माता जी, होटल तो पूरा शांत है, सुनसान है। तो आपको अचानक अपने अंदर से आवाज़ आने लगी, ये बाद में फिर अनुभव हुआ कि आवाज़ अंदर की है, अंदर घंटियाँ बजने लगेंगी, अंदर ही दिए जलने लगेंगे, अंदर ही आपको ऐसी अनुभूति होगी कि जैसे कोई बाजा बजा रहा है, कोई गाना गा रहा है, कोई ढोल पीट रहा है। ये अनुभूतियाँ मुझे हुई हैं, और मुझे नहीं, क्योंकि मुझ में और आप में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ एक ही अनुभव से ही आप अपने सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, आप अपने अनुभव से जीवन को समझ सकते हैं, आप अपने अनुभव से मृत्यु को समझ सकते हैं, और जब आप जीवन में पहुंच जाएंगे तो समझ जाएंगे मृत्यु जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, सिर्फ हम घोड़े बदलते हैं, और घोड़े भी बदलें तो अपना मनपसंद घोड़ा लें, ये भी मैं बता रही हूँ, किसी भी घोड़े में सवार हो जाना, जो तुम्हारे पसंद का घोड़ा हो उस पर ही सवार होना, अच्छा घोड़ा हो, मजबूत घोड़ा हो उस पर ही सवार होना, क्योंकि ये शरीर तो अनंत यात्राएं करेगा, अनंत लोगों की यात्राएं करता है और अच्छे अच्छे लोगों की यात्रा करता है, आपको
ध्यान में सभी लोगों के दर्शन हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, आप करके तो देखिए। मैंने आपको जीवन के बारे में बताया और मैंने आपको मृत्यु के बारे में बताया। मृत्यु कुछ भी नहीं है, मृत्यु जीवन की छाया है। जब हमारा जीवन आता है हाँ, तो पीछे पीछे मृत्यु भी आती छाया की तरह, और हम छाया से डरते हैं। जैसे हम पीछे चलते हैं तो हमारे पीछे हमारी छाया चलती है, पर छाया कुछ भी नहीं है, एक हमारा भ्रम है। अगर हम दौड़ेंगे तो छाया भी दौड़ेगी, हम मृत्यु से भागेंगे तो मृत्यु भी भागेगी हमारे पीछे। और जो मृत्यु को जान लेता है, समझ लेता है, मैंने कहा उसका जीवन नहीं होता। पर जिसने मृत्यु को आखिरी समय जागृत अवस्था में देख लिया और जागृत अवस्था में शरीर छोड़े, तो वह अवतारी हो जाता है। वह अपने मनपसंद जन्म लेता है, पर जन्म लेता है वो, भले वो बड़े घर में जन्म ले, भले वो भगवान बन जाए, पर वो जन्म लेता है। उसका फिर जन्म होता है क्योंकि वो मृत्यु को समझ गया, पर वो मृत्यु के बढ़ते समझ गया, व्यर्थता समझ गया कि मृत्यु कुछ भी नहीं है, पर फिर भी उसका जन्म होता है। लोगों ने मुझसे पूछा, ठीक है माँ निर्वाण क्या है, किसी ने मुझसे क्वेश्चन किया था। निर्वाण का मतलब है जो मृत्यु को तो समझ गया, वो जीवन को भी समझ गया कि मृत्यु भी व्यर्थ है और जीवन भी व्यर्थ है, दोनों ही व्यर्थ है। न जीवन भी व्यर्थ हो गया और मृत्यु तो व्यर्थ ही है। ज्यो की त्यों धर दीनी चदरिया, जो भी लिया था दिया था वो छोड़ा, किसी से उधार लिया था वो छोड़ा, किसी से उधार लिया था वो छोड़ा, कुछ भी याद नहीं। क्योंकि हम जो भी सोचते हैं रात में, वो सुबह उठते हैं तो पहला विचार बन जाता है, और आखिरी समय हम जो सोचते हैं वो जीवन का पहला विचार बन जाता है। तो जब सारे विचार खत्म हो जाते हैं और हमको जीवन की व्यर्थता समझ में आ जाती है कि मृत्यु तो है ही नहीं, जीवन भी व्यर्थ है, जब दोनों चीजों की व्यर्थता समझ में आ जाती है तो निर्वाण हो जाता है वो, फिर आदमी दोबारा जन्म नहीं लेता फिर को। और मेरा तुम लोगों को आशीर्वाद है, ये मैंने एक छोटी सी जानकारी दी है। कभी समय आएगा तो तुमको मैं अलग विज्ञान के बारे में समझाऊंगी, मैं बहुत सारे प्रयोग है वो समझाऊंगी, बहुत सारी बातें करूंगी इस संबंध में। ये विषय बहुत गूढ़ विषय है, और आप ध्यान करें तो अंदर अपनी ऊर्जा को खींचें, और जब अपनी ऊर्जा को आप खींचेंगे तो धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा, आपका मन शांत हो। ऐसा नहीं कि अंदर क्रोध भरा है, अंदर गुस्सा भरा है और आप ध्यान में बैठ जाएं, ध्यान का नाटक ना करें। ध्यान करने के लिए बहुत शांति चाहिए, बहुत शांत मन चाहिए, एक मैत्री भाव चाहिए, सबके प्रति प्रेमपूर्ण हो, सबके प्रति मैत्री भाव हो आपका। मेरा आशीर्वाद है।